एल्विस को जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री के साथ देखा था खट्टर साहब के साथ, तब मुझे पता लगा एल्विस कहीं ना कहीं फंसेगा 100%। और जैसे ही हरियाणा की सरकार गई तो एल्विस को जस्ट गिरफ्तार, पुलिस आ गई है। और यार आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन में 4 बजे, तो अपन को एक काम जाना है तो अपने सोचा क्यों नहीं आज मोटो ब्लॉगिंग कर दी जाए। अभी अपने 30 दिन का चैलेंज भी चल रहा है, तो 30 दिन का चैलेंज भी अपन को कंप्लीट करना है। तो अभी 30 दिन चैलेंज के चक्कर में डेली आपको ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं और आपका रेस्पॉन्स भी ठीक ठीक आ रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको, एक खुशखबरी, यूट्यूबर जितने भी एल्विस के फ्रेंड हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। अब बड़ी खबर क्या है, तो आप लोगों को थंबनेल देख कर पता चल चुका है कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर ये है कि एल्विस को बेल मिल गई है, मतलब बेल गारंटेड हो गई है। तो अभी शाम को 5-6 बजे तक एल्विस बाहर आ जाएगा। जय श्री राम। तो ये थी सबसे बड़ी गुड न्यूज़। यूट्यूबर का पावर आप देख लो भाई, जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे वो आप देख लो। अभी बेल मिली है, केस चलेगा, ट्रायल चलेगी। एक बार उनके परिवार को राहत मिल गई भाई। स्पीड वाली गाड़ी खड़ी है तो लोगों के चलान काटेगी, खुद रॉन्ग साइड आके खड़ी है, वो कुछ नहीं है, कोई नहीं। जैसे अपन कर बात करते एल्विस की, आज 1 बजे बेल पर सुनवाई थी और 1:30 बजे सुनवाई ख़त्म हो गई थी और 1:30 बजे जज की तरफ से बेल एक्सेप्ट कर दी गई, पर जो अनाउंसमेंट हुआ वो 2 बजे के बाद, लंच के बाद हुआ। और एल्विस के लिए बहुत खुशखबरी है, एल्विस भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भाई जमानत मिलने पर। जिस केस में जमानत मिली है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट काम करते हैं, वो जिनको हम फैक्ट कह अतिथ्य कह सकते हैं, जैसे सेक्शन में संशोधन होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। और कुछ सेक्शन पुलिस जोड़ना चाह रही थी वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए थे कल, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उसमें अगर वो सेक्शन जुड़ जाता तो आज एल्विस को बेल मिलती नहीं। फिर एल्विस के पास से बहुत कोई रिकवरी कुछ भी पेंडिंग नहीं है, और ना ही कुछ रिकवरी हुई है, ना ही कुछ उनके पास मिला है। ये जब तक मैं समझता हूँ कि, मैंने पहले भी बीच वीडियो में कहा है कि ये राजनीतिक साजिश है। एल्विस को जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री के साथ देखा था खट्टर साहब के साथ, तब मुझे पता लगा एल्विस कहीं ना कहीं फंसेगा 100%। और जैसे ही हरियाणा की सरकार गई तो एल्विस को जस्ट गिरफ्तार। और ये एक बड़ी खबर है कि भाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आप लोगों को सबको पता होगा भाई क्या हो रहा है, इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रेजेंट मुख्यमंत्री, हाथों स्पेट मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। देखो उस केस में क्या था वो अलग है, पर अभी अपन एल्विस की बात करते हैं, एल्विस के लिए बहुत गुड न्यूज़ है भाई। और यूट्यूबर के ऊपर हर कोई हाथ डालने से अब थोड़ा घबराएगा भाई, इतना आमतौर पर होता है कि यूट्यूबर है भाई क्या है, कहते हैं ना ज़्यादा पैसे कमाओगे तो भी दिक्कत, और नहीं कमाओगे तो भी दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत होगी भाई। आप ज़्यादा नेम फेम कमा लो तो आपको मांगने वाले तंग करेंगे, जो गुप्ता लोग थे वो लोगों ने पैसे मांगे थे इन्हें नहीं दिए, तो बस इसीलिए वो सारा ये काम हुआ था। अगर आप कानून रूप से इस केस की पूरी जानकारी चाहते हो तो अपन इस केस के संबंध में पूरी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। और मुझे इतना कैसे ज्ञान, तो मैं खुद एडवोकेट हूँ तो मुझे तो नॉलेज हो गई भाई, और वो भी नहीं कि मैं नया नया वकील हूँ, तो मैं तो बहुत लॉन्ग टाइम से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो मुझे प्रॉपर लॉ का नॉलेज, और मैं प्रैक्टिस में हूँ तो ज़्यादा नॉलेज है। हाँ अब आप लोग बोलो भैया ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो राइड क्यों कर रहे हो, अरे भाई राइड अपना शौक है भाई, प्रोफेशन अपना वकालत है और पैशन अपना राइड है। अब आप लोगों को चैनल क्यों बना लिया, अरे भाई चैनल इसलिए बना दिया कि जब मैं बूढ़े बूढ़े हो जाऊँगा तो मैं खुद देखूँगा तो मुझे मज़ा आएगा ना, हाँ यार मैंने राइड किया, मैंने यहाँ आ गया ये किया,
तो इसलिए कुछ होता है, खुद का भी एम होता है कुछ। अब मुझे एल्विस की यादों के बारे में कैसे पता चला, तो आपने मेरे पोस्ट डाली मैंने यूट्यूब पर, एक इंस्टाग्राम पर। एक्चुअली मैं वकील हूँ, तो मेरे थोड़े वकालत से वहाँ से ताल्लुक आता, तो वो मुझे एक बंदा है वहाँ वकील, तो उस बंदे ने मुझे 1:30 बजे ही बता दिया था कि भाई बैल हो गई है एल्विस की। तो अपना कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं भाई, अपना तो ब्लॉग चैनल है, मोटो ब्लॉगिंग चैनल है, तो मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तभी आपको बताएंगे। तो इसलिए मैं समझा मैं आपको बता दूँ, जैसे ब्लॉग तो मेरा कल आएगा, ये चीज़ आपको आज पता चल चुकी, फिर भी मैं आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझा सकता। एक जो वकील समझा सकता है वो दूसरा कोई भी पर्सन आपको बता नहीं सकता। अब कितनी कितनी हज़ार की बैल पेश, कितनी कितनी हज़ार की जमानतें हुई है, ये सारे अलग चीज़ें हैं। आप कुछ जमानत वमानत मुचल के पेश कर एल्विस बाहर हो जाएगा बस। तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन एक भाई को उठाते हैं, लेते हैं, फिर अपन कुछ गाड़ी में, नाइट में जब अपन जाते हैं तो रोशनी बिल्कुल कम होती है, तो कुछ लाइट का जुगाड़ करते हैं, गाड़ी का अलग लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगवाते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन लोग, मैं अभी नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा भाई, फॉग लाइट कहते हैं, तो फॉग लाइट का अपन भी जुगाड़ कराते हैं कहीं से। तो चलते हैं, एक दो दुकान है अपने यहाँ छोटी सी सिटी के अंदर, तो वहाँ मिल जाएगी तो लगवा देंगे, अन्यथा ऑनलाइन मंगाएंगे। अभी अपन गाड़ी में फॉग लाइट लगाने गए थे, पर समझ ही नहीं आ रही थी यार, मतलब जच ही नहीं रही थी दिमाग में, बैठ नहीं रही। 2000 रुपये बोला तो लगे हमें, पर बैठ नहीं रही थी दिमाग में, सेट हो ही नहीं रही थी। इसलिए फिर देखते हैं बाद में लगा, अभी वैसे होली होली तक जाएंगे, होली के बाद में जाएंगे। एक लॉन्ग राइड प्रिपेयर कर रहे हैं 300-400 किलोमीटर की, तो पहाड़ों में जाएंगे तो फिर लाइट चाहिए थी, रात को लेट वेट जाता है, इसकी लाइट इतनी पढ़ते नहीं जितनी पढ़नी चाहिए। पानीपुरी दादावाड़ी ढाबा। तो अभी मैंने एल्विस वाली तो खुशखबरी आपको बता ही दी है, आप लोगों को भाई लोगों को, एल्विस भाई की बैल हो गई है भाई, ये तो मैंने बता ही दी है। और डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो भाई, और नहीं चाहते तो भाई तो अपनी पुरानी ये जो क्या कहते हैं दिमाग से उतर गई भाई, कोई नहीं, उतर के क्या कर सकते हैं, ये पता नहीं कौन सा मॉल तैयार हो रहा भाई। किस किस बंदे के पास RS 200 है भाई, हो तो मुझे बताओ, कितने आप इसे खुश हो या ना खुश हो। एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर, पता नहीं भाई कहाँ जा रहा था, रॉन्ग साइड। लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया लगता है, गाड़ी हुआ एक्सीडेंट, पुलिस आ गई है। एक और सामने गाड़ी, दोनों गाड़ियों का भयंकर एक्सीडेंट।
भाई पता नहीं किसने लगी है नहीं लगी, एक्सीडेंट भयंकर वाला हो गया है। तो आज अपन को कौन सा डे है, फिफ्थ डे है शायद, हाँ पांचवा दिन है भाई। ब्लॉग कंटिन्यू पांच दिन से कंटिन्यू ब्लॉग आ रहे हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। शाम को थोड़ा ट्रैफिक रहता है भाई, देखो कुछ ना कुछ और नए नए ब्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं लॉन्ग राइड वाले। तो लॉन्ग राइड के ब्लॉग आएंगे तो मज़ा आएगा आपको, और ये रोड के जो ब्लॉग आ रहे हैं उसमें और आपको और अलग मज़ा ही कुछ अलग है कुछ ना। याद आ रहा है मुझे बहुत प्यारा, दिल दे दिल ने पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा, दिल दे दिल ने पुकारा।